हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे रिहर्स टाइमिंग क्या होता है। एक्चुअल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही बेस्ट फीचर हमें मिलता है जिसे कहा जाता है रिहर्स टाइमिंग। अब आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि रिहर्स टाइमिंग होता क्या है। तो जब भी हम लोग पीपीटी बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस जो है ना ऐड करते हैं, बहुत सारे पेज लेते हैं जिसमें हम लोग अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। अब इस अलग अलग पेज पे, डिफरेंट पेज पे, यानी कि मान लीजिए कि आप एक नंबर पेज पे हैं, सेकंड नंबर पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस क्लिक करना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर जाने के लिए माउस क्लिक करना पड़ेगा, फोर्थ पे जाने के लिए माउस क्लिक, और फिफ्थ पे जाने के लिए भी माउस क्लिक, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको माउस का क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट जो होता है ना, हमें एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप बिना माउस क्लिक के ही आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। सेकेंड चीज कि कितना देर के बाद, फर्स्ट पेज से कितना टाइम के बाद आपको सेकेंड पेज पे जाना है, सेकेंड पेज से कितने टाइम के बाद आपको थर्ड पेज पे जाना है, और थर्ड से कितने टाइम के बाद जो है आपको फोर्थ पे जाना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेज पे जाने के लिए आपको कितने टाइम्स के बाद जाना है। वो टाइम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको एक नंबर पेज पे जो है ना आपको 30 सेकेंड टाइम सेट करना हो, दो नंबर पेज पे आपको जो है ना 70 सेकेंड जो है ना सेट करना पड़ जाए, तीन नंबर के लिए आपको जो है ना 10 सेकेंड में ही काम चल जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो है ना आप अपने पेज के लिए, स्लाइड्स के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बार रिकॉर्ड करने के बाद आप उस प्रेजेंटेशन को जब स्लाइड शो में चलाएंगे तो प्रत्येक पेज पे जितना टाइम आप सेट किए हैं उतना टाइम तक आपको वो रुकेगा, रहेगा सामने में, और उतना टाइम कंप्लीट होते ही नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली वो मूव कर जाएगा। अब एक बार आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये टाइम हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, आप फिर से दोबारा भी उसको आप रिकॉर्ड करके सेट कर सकते हैं कि इतना टाइम हम इस पेज पे देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो यही फीचर्स हमको प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि आप अपने स्लाइड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे उसे देखते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि रिहर्स टाइमिंग इज ए फीचर्स क्या है। रिहर्स टाइमिंग क्या है, एक फीचर्स है। किसका है, तो पावर पॉइंट का एक फीचर्स है विच अलाउ वन टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ स्लाइड प्रिपरेशन, यानी कि जो आप स्लाइड को प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं, उसके लिए आप जो है ना टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका फीचर्स कौन प्रोवाइड करता है आपको, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रिहर्स टाइमिंग के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द टाइम एंड प्रेजेंट द स्लाइड्स। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आप जितना टाइम उस स्लाइड के लिए चाहते हैं उतना टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा, और जब स्लाइड को आप जब चलाएंगे तो उसी ऑर्डर और उसी मैनर में जो है ना उतना ही टाइम के लिए आपका स्लाइड रुकेगा और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे वो चला जाएगा। कीप देम ऑन स्क्रीन फॉर द सेट टाइम, आप टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप कर सकते हैं इसमें कि द रिहर्स टाइम प्रोवाइड एन एडवांटेज टू रिकॉर्ड ऑडियो। इसके पास ये भी एडवांटेज है कि आप उसको सिर्फ टाइम उस स्लाइड के लिए ही नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि आप उस स्लाइड पे जो बोलना चाहते हैं उस ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ इच प्रेजेंटेशन स्लाइड, यानी प्रत्येक स्लाइड्स के लिए जितना टाइम आप देना चाहते हैं और जितना टाइम आप उस पे बोलना चाहते हैं उसको भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वन स्पेंड्स ऑन ईच स्लाइड इज रिकॉर्डेड। जितना आप अमाउंट ऑफ टाइम प्रत्येक स्लाइड के लिए चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अलाउ यू टू सेव द टाइमिंग टू रन द
शो ऑटोमेटिकली। जब आप शो को ऑटोमेटिकली रन करवाएंगे तो जो है ना ऑटोमेटिक रूप से जितना टाइम आप उस पे सेट किए हुए हैं, जितना टाइम आप सेव किए हैं, उतना टाइम के लिए आपका स्लाइड जो है ना आपके सामने रहेगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे वो मूव कर जाएगा। इसे ही कहते हैं रिहर्स टाइमिंग। उम्मीद है कि आपको रिहर्स टाइमिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा।